सीट अगर जीत गए तो शिवराज सिंह चौहान को दोबारा सीएम बना देंगे? नहीं, देखिए तो एक चुनावी परिप्रेक्ष्य में कही गई बात है, इसके लिए उसी चुनावी दृष्टि से भी हमें लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि विश्व स्तरीय पार्टी है और हमारा हाईकमान जो है, हमारा जो सर्वोच्च नेतृत्व है, वो निर्णय लेने वाला नेतृत्व है और जैसी हाईकमान की इच्छा होगी वैसा निर्णय होगा। मेरा तो जो कथन था वो भाषण था, मेरा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या लिखित भाषण नहीं था। सामान्यतः जब चुनाव होता है तो हम लोग अपने भाषणों में इन सब बातों का जिक्र करते हैं, तो मेरा यही कहना है कि इसको उसी परिप्रेक्ष्य में, चुनावी परिप्रेक्ष्य में लिया जाए। दूसरी बात यह है कि मैं किसी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनाने वाला या कोई भी पद देने वाला कोई व्यक्ति इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि मैं इसके लिए कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उस हिसाब से हमारा नेतृत्व ही सब काम को करता है। और मैंने जो कुछ भी कहा है मुझे ऐसा लगा कि उसको दूसरे संदर्भ में, दूसरे परिप्रेक्ष्य में, चुनावी परिप्रेक्ष्य में ना लेके अन्य संदर्भ में लिया गया, तो उस संदर्भ न लिया जाए, मेरा इतना ही सब कहना। सर, क्या इस बयान के बाद मतलब हाईकमान से या किसी और की तरफ से कोई आपत्ति आई है? नहीं, ऐसी आपत्ति कोई नहीं आई, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, सामान्य समझ की बात, ना हमारे पास नंबर है न फिलहाल उतनी हमारे पास संख्या है सरकार बनाने लायक, किसी को मुख्यमंत्री बनाने लायक, किसी की सरकार बनाना या मिटाने लायक कोई हमारे पास जी ने भी कहा था उन्होंने कि झाबुआ सीट जीत जाएगी तो जो है एक सरकार। सामान्यतः देखो, मैं पुनः कह रहा हूँ, चाहे कैलाश जी का है और भी अन्य वक्ता जो वहाँ पर हैं, इस बात को यदि वो कहते हैं तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि हम चुनाव में अपने अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं, भविष्य की उम्मीद और आशा के किनारे और व्यक्तियों के किनारे को उसके सहारे चुनाव होते हैं, नीतियों के सहारे तो होते ही हैं और उसी दृष्टि से बात कही गई थी। तो मैं कहूँ कैलाश जी कहें या फिर अन्य कोई व्यक्ति कहें, लेकिन नेतृत्व तो जो तय करेगा। दूसरी बात, नंबर जब तय होंगे, संख्या जब तय होगी, आज की तारीख में फिलहाल हमारे पास में ऐसा कोई विषय नहीं है और ना आया है अभी, और इस कारण से इस बात को हम एक निर्मूल समझते हैं। क्या स्थिति सर अभी झाबुआ चुनाव में, सरकार भी पूरी? झाबुआ चुनाव मुझे विश्वास है कि हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे और लोगों का समर्थन, हमारा उम्मीदवार जो है वो युवा उम्मीदवार है, नौजवान उम्मीदवार है, ऊर्जा भी उसके अंदर है, बहुत गतिशील उम्मीदवार है। मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से हमें प्रचंड विजय इस चुनाव प्राप्त होगी। ऊब चुके हैं लोग कांतिलाल जी भूरिया से और उनके परिवार से, 40-45 वर्षों से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ और कोई क्षेत्र का खास विकास और उन्नति उन्हें देखने नहीं मिली है, उस कारण सब। दूसरा सर, एक सज्जन सिंह वर्मा जी ने आज बयान दिया है कि मध्य प्रदेश की सड़कें कैलाश विजयवर्गीय जी की गालों की तरह हो गई और अब इसे हेमा मालिनी की गालों की तरह बनाया जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि सज्जन सिंह जी इन सब बातों को, चुटकुलों को करने में काफ़ी उस्ताद और माहिर हैं। शायद उन्हें स्मरण नहीं होगा कि अब इस तरह की बातों का लोग सिर्फ मजाक ही उड़ाते हैं। कभी बहुत पहले बातें होती थी जब लालू यादव जी इस तरह बिहार के बारे में कहा करते थे, 40 साल पहले। अब ना वो हेमा मालिनी वैसी रही हो, ना कैलाश विजयवर्गीय वैसे रहे हैं और इस कारण से इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। कुल मिला के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसे चुटकुलों का सहारा ले रहे हैं। एक महिला के बारे में उस तरह से होने, और जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, सम्मानीय नेत्री हैं, दोबारा सीधे लोकसभा का चुनाव जीती हैं, उनके बारे में इस तरह कहा जाना, मैं मान के चलता हूँ कि महिलाओं के प्रति अपमान की बात है, ठीक नहीं। सर, राम मंदिर पर कल जो है अंतिम सुनवाई का दिन है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पूरा देश चाहता है कि राम भी अयोध्या में लगा दी जाए, राम मंदिर बने, पूरा देश चाहता है और इस मैं मान के चलता हूँ कि मुस्लिम समाज भी फिलहाल इस मन स्थिति में है कि अच्छा राम मंदिर बने और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी उनकी एक इबादत गाह जहाँ वो जैसी चाहें उनके लिए उसकी व्यवस्था हो और सौहार्द और समन्वय के साथ पूरा देश चले, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े। और चूंकि हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इस कारण से वो
लगभग 4 दशक से जिंदा है, मैं मान के चलता हूँ कि उसकी समाप्ति अब हो जाना चाहिए। सर, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा। उम्मीद अच्छी बात है, लेकिन अच्छी उससे भी ये बेहतर बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर यकीन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यकीन कर रहे हैं, और यही अच्छा एक स्वभाव है या एक अच्छा तरीका है जो उनके अंदर है। उन्होंने बात की, मैं मान के चलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और पूरी बेंच और बहुत सोच समझ के निर्णय करेगी। मतलब इस दिवाली जो है उम्मीद है राम जी का मंदिर जो है उसमें मोहर लग जाएगी। उम्मीद पर तो पूरी दुनिया मतलब जिस तरह निर्भर है। व्यवस्था लगाई जा रही है अयोध्या में, 144 लागू कर दी गई उसके लिहाज से। देखिए, ये जो दिसंबर का महीना आने वाला है उसमें हमेशा 144 वहाँ पर लगाई जाती है, क्योंकि एक घटना जो हो गई थी उस घटना के परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं हो, तो प्रशासनिक जो अलर्टनेस है उसके लिए सारा का सारा होता है। अब जिस परिप्रेक्ष्य में भी लगाई गई हो, लेकिन धारा 44 लगाना स्थानीय प्रशासन उच्च समझा होगा, इसलिए लगाई। एक बयान बड़ा चर्चित हो रहा है जिसमें आपने ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान